नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धासु बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की किताब का अध्याय 2, आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं। अच्छा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और उसी छोटे से चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो सर गुरुदेव, आज क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे आंकड़ा संग्रह करने की विधि। क्या पढ़ेंगे? आंकड़ा संग्रह करने की विधि, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो जो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स की चर्चा आज हम लोग करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हम लोग पढ़ रहे हैं आंकड़ा संग्रह करने की विधि, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। कि जो हमने पढ़ा है कि जो आंकड़ा क्या होता है, सर्वेक्षण क्या होता है, सर्वे के बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया। सर्वेक्षण के लिए जो सबसे उपयोगी उपकरण होता है प्रश्नावली, वो कैसे बनती है वो अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें ये जानना है कि जो आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, वो कौन कौन से तरीकों से किया जाता है। तो हम जनरली यहाँ पर तीन तरीके पढ़ते हैं, तीन विधियाँ हमारी क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, जिन तीन तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब वो तीन विधियाँ कौन कौन सी है, आइए आंकड़ा संग्रह की तीन आधारभूत विधियां हैं। तो आंकड़ा संग्रह करने के लिए तीन बेसिक विधियां हैं, तीन बेसिक जो मेथड हैं, वो तीन मेथड हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत साक्षात्कार की। किसकी बात करेंगे? व्यक्तिगत साक्षात्कार की। इसको कहा जाता है पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू या व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है? देखिए, साक्षात्कार इंटरव्यू का अर्थ है कि आमने सामने बैठ करके बातचीत होना, ये इंटरव्यू कहलाता है। पर्सनली लिया जाएगा एक एक व्यक्ति का। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो गणनाकार होते हैं, जो गणना करने वाले होते हैं, वो एक एक व्यक्ति के पास जाते हैं और सारी जो जानकारी है वो जानकारी को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो मतलब एक एक व्यक्ति के पास, एक एक व्यक्तिगत मतलब एक एक व्यक्ति के पास जा जाकर करके क्या करी जाएगी, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जाएगी। जब ऐसा किया जाता है तो ऐसी वाली विधि को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं। पर्सनावली वाला जो है, पर्सनावली तीनों में ही काम आएगी। यहाँ पर भी जब आप कोई जानकारी लेना चाहते हो तो उसके लिए आप पहले ही क्वेश्चंस बना लोगे और फिर जैसे जो व्यक्ति सामने आएगा उससे पूछोगे हाँ ना, जैसा भी जो जो सवाल आपको पूछने हैं। दूसरी है बच्चों डाक द्वारा सर्वेक्षण पर्सनावली भेजना, डाक द्वारा सर्वेक्षण प्रश्नावली भेजना। अब देखिए डाक द्वारा मतलब क्या कर देंगे, पोस्ट के द्वारा हम प्रश्नावली भेज देंगे, मतलब हमने पोस्ट के द्वारा प्रश्नावली भेज दी है, अब वो व्यक्ति जवाब देकर करके उसके आंसर्स लिख कर करके हमारे पास पोस्ट के द्वारा भेज देगा। तीसरा होता है बच्चों टेलीफोन साक्षात्कार, जिसको कहा जाता है टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू में क्या होता है कि टेलीफोन मिलाया जाएगा, हाँ जी नमस्कार, हम यहाँ से कह रहे हैं, ये समय कुछ बात करनी थी, हम आपका 5 मिनट का समय ले सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो टेलीफोन पर इंटरव्यू होता है। और अब आजकल तो अगर इसमें थोड़ा सा और एडवांस देखें तो ऑनलाइन का चल गया है, ठीक है, ऑनलाइन के द्वारा होने लगा है कि आपसे ऑनलाइन कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे क्विज़ भी बहुत से होते हैं आजकल, तो क्विज़ तो चलो एक अलग मुद्दा है पर काफ़ी सवाल ऑनलाइन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तीन विधि है, तीन विधियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब एक एक के ऊपर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत साक्षात्कार की। व्यक्तिगत साक्षात्कार या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू या व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है? व्यक्तिगत साक्षात्कार, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आमने सामने बैठ कर करके सवाल पूछता है और वो सामने वाला व्यक्ति उसके जवाब देता है। जैसे आपने बहुत सी बार लोगों को सुना होगा हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अब इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ लोग बैठे होते हैं, वो एक व्यक्ति से सवाल पूछते हैं और फिर उसको सेलेक्ट करने की प्रोसेस अपनाते हैं। यहाँ पर क्या है कि डेटा कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इसलिए जो गणनाकार है वो एक एक व्यक्ति के पास जाता है, सारी जानकारी इकट्ठा करता है और फिर उस सारी जानकारी का आगे भेज देता है। ये विधि तभी उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा सकता है। तो देखिए अब ये वाली जो विधि है, ये वाला जो तरीका है व्यक्तिगत
साक्षात्कार वाला, ये तभी उपयोग में लाया जा सकता है जब शोधकर्ता, शोधकर्ता का मतलब क्या है, जो रिसर्च करने वाला है। शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च, किसी चीज़ पर आप मतलब है ना रिसर्च कर रहे हो कि सब ये कैसे होता है, क्या होता है, कितने लोग रहते हैं, कैसे किस स्थितियों में रहते हैं, मतलब आप वो पूरी सारी जानकारी जो जानने वाला है। तो शोधकर्ता जो है, जो रिसर्च करने वाला है, वो हर व्यक्ति तक पहुँच सके, सभी सदस्यों तक जा सकता हो, तभी ये विधि काम आ सकती है, तभी इस विधि को उपयोग में लाया जाना चाहिए, नहीं तो नहीं लाया जाना चाहिए। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि आप आज ये पता लगाना चाहते हो कि स्कूल में सबसे लोकप्रिय जो फिल्मी सितारा है वो कौन सा है, तो अब उसके लिए ये वाली अगर आप अपनाते हो कि एक एक व्यक्ति के पास मैं जाऊँ और उससे पूछूँ, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हर बच्चे से पूछ सको, बात कर सको। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब इसकी तो कोई मतलब कंपेरिजन ही नहीं है, सबसे अच्छा माना जाता है व्यक्तिगत साक्षात्कार तो। पर ये तभी पॉसिबल है जब जो गणनाकार है, जो शोध करता है, वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके, हर व्यक्ति से अच्छे से बात कर सके, सारे सवालों के जवाब मांग सके, तभी ये बेटर है, तब सबसे अच्छा है। और नहीं जा सकता है तो फिर इसको नहीं अपनाना चाहिए। इसमें शोधकर्ता जांचकर्ता आमने सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है। अब इसमें शोधकर्ता कह लो, जांचकर्ता कह लो, गणनाकार कह लो, जो भी व्यक्ति है, वो जो शोधकर्ता है, तो शोधकर्ता और उत्तरदाता, शोधकर्ता कौन है, प्रश्न करने वाला है, सवाल पूछने वाला, क्योंकि ये तो अपनी प्रश्नावली बना करके ले गया है, मुझे ये पूछना, मुझे ये पूछना, मुझे ये पूछना, मुझे ये पूछना, तो ये तो प्रश्न करने वाला है, क्वेश्चन करने वाला है। और उत्तरदाता कौन है, उत्तर देने वाला, दाता कौन होता है, देने वाला, ठीक है, दाता कौन होता है, देने वाला होता है, तो ये प्रश्न पूछने वाला है, ये देने वाला है। तो शोधकर्ता क्या करता है, उत्तरदाता के सामने बैठ करके आमने सामने हो जाते हैं, साक्षात्कार करता है। पर शोधकर्ता सवाल पूछेगा, उत्तरदाता जवाब देगा, फिर वो सवाल पूछेगा, फिर वो जवाब देगा, इसके बीच में मस्ती मजाक भी हो जाती है, बातचीत भी हो जाती है, एक दो बात है उत्तरदाता एक्स्ट्रा भी बता देता है। और एक्सप्रेशन देख कर कर, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि एक्सप्रेशन देख कर कर करके पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये व्यक्ति से एक दो एक्स्ट्रा सवाल पूछ लेने भी चाहिए, नहीं पूछ लेने चाहिए। जैसे आज फॉर एग्जांपल, आज एक तो आप मुझसे फ़ोन पर बात करो और एक आमने सामने बैठे हो, अब आमने सामने बैठे हो तो क्या होगा कि हाँ नहीं नहीं सर अच्छे मूड में, ये सवाल और पूछ लेता हूँ, ये सवाल और पूछ लेते हैं। तो आमने सामने होते हैं तो उसका तो बेनिफिट होता ही है। आप जब क्लास ट्वेल्थ में जाएंगे ना, तो क्लास ट्वेल्थ में, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बोर्ड्स में ऐसा होता है या नहीं होता, 20-20 मार्क्स स्कूल वाले भेजते हैं, पर उसके लिए क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नल आते हैं और वो वाइवा लेकर के जाते हैं। वाइवा क्या होता है, वो आएंगे, आप लोगों की फाइलें पहले स्कूल वाले बनवाते हैं, वो फाइलें बनाई जाएंगी, फिर बाहर से कोई एक्सटर्नल आएगा, मतलब बोर्ड अपॉइंट करता है कि साहब आपको इस स्कूल में इतनी तारीख को जाना है, मतलब कोई दूसरे स्कूल का टीचर वीचर है, वो आते हैं, वो आपसे सवाल जवाब करते हैं कि अच्छा आपने ये इस फाइल में ये लिखा है तो क्यों लिखा है, क्या कारण है, तो वो आपसे साक्षात्कार करते हैं, आमने सामने पूछते हैं। अब जैसे आप सारे अच्छे से जवाब दे रहे हो और कर रहे हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो फिर टीचर क्या करेगा, एक सवाल और पूछ ले, लो बेटा एक करोड़ का जवाब दे कर करके चले जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेटा फिर क्या हो जाता जाता है, आपके पास इकट्ठा होता जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कारों को कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। अब व्यक्तिगत साक्षात्कार को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो गणनाकार होते हैं, या व्यक्तिगत साक्षात्कार बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछ ले व्यक्तिगत साक्षात्कार के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार के, तो आप ये बताएंगे जो अब अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, इसमें सर्वेक्षक एवं उत्तरदाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होता है। सर्वेक्षक कौन है, शोधकर्ता जो है, जो सर्वेक्षण कर रहा है, जो सर्वे कर रहा है, जो गणनाकार है वो। तो सर्वेक्षक और उत्तरदाता, जो उत्तर देने वाला है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है। बीच में कोई नहीं है, व्यक्तिगत संपर्क है, डायरेक्ट आमने सामने बैठे हैं, जो पूछना है वो पूछेगा, जो बताना है वो बताएगा, मना कर देगा, तो व्यक्तिगत संपर्क है। ऐसा कोई नहीं कि हाँ ये उसको बताएगा फिर उसके द्वारा आएगा, ऐसा नहीं, व्यक्तिगत संपर्क है, दोनों आमने सामने बैठे हैं, सबसे अच्छी बात है। सर्वेक्षक या साक्षात्कारकर्ता को यह अवसर मिलता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके तथा उत्तरदाता की किसी भी पूछताछ का जवाब दे सके। अब देखो, सर्वेक्षक जो होता है या साक्षात्कारकर्ता जो होता है, देखो कितने नामों से जाना जा सकता है, शोधकर्ता कह सकते हो, जांचकर्ता कह सकते हो, सर्वेक्षक कह सकते हो, साक्षात्कारकर्ता कह सकते हो, इसके अलावा आप गणनाकार कह सकते हो, कितने नामों से जाना जा सकता है। तो ये जो साक्षात्कारकर्ता है, इसको अवसर मिल जाता है कि जो उत्तरदाता है उसको अपने अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके। अब जैसे देखो, आमने सामने बैठे हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं गणनाकार हूँ, नमस्कार सर, सर मैं वहाँ से आया हूँ और हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं सर, तो सर मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आपको 5 मिनट चाहूँ। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। तो सर देखिए, हम जो ये सर्वे कर रहे हैं वो इस उद्देश्य के लेकर के कर रहे हैं, हमें जानना चाहते हैं ऐसी ऐसी बात है, वो ठीक ठीक है ठीक। तो फिर अब वो सवाल पूछना शुरू करेगा ऐसा 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 ऐसा, तो फिर देखेगा कि नहीं यार सामने वाला तो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, एक दो सवाल एक्स्ट्रा पूछ लेगा। तो क्या होगा कि जो अध्ययन का है ना उद्देश्य बता सकता है,
साक्षात्कारकर्ता जो साक्षात्कार कर रहा है, शोध कर रहा है, वो अध्ययन का उद्देश्य बता सकता है उत्तरदाता को, देखो साहब हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं वो यूँ कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मान लो कि जो कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, अब सामने वाले को समझ में नहीं आया, वो बोलेगा यार भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा वापस बताओ। हाँ सर ऐसा ऐसा ऐसा, और इसमें सर ये जो शब्द है इसका मतलब ये है सर। अच्छा 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 अब समझ गया, अब मैं जवाब दे देता हूँ। मतलब अगर कोई उत्तरदाता को भी कोई समस्या आएगी या कोई भी पूछताछ करनी है तो सामने बैठा हुआ है वो कर सकता है ना, बिल्कुल आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सर्वेक्षक या साक्षात्कारकर्ता अपने अध्ययन, वो ये सर्वे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका उद्देश्य बता सकता है। और उत्तरदाता को कोई भी किसी भी प्रश्न में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ पूछना हो तो वो क्या कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से निवेदन कर सकता है कि वह विशेष महत्व के बिंदुओं को विस्तार से बताए, इससे अपनिर्वचन गलत व्याख्या तथा गलत फहमी से बचा जा सकता है। अब इसमें देखिए साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से निवेदन कर सकता है कि वह विशेष महत्व के बिंदुओं को विस्तार से बताए। अब जो साक्षात्कारकर्ता है, जो गणनाकार है, उसने कोई सवाल पूछा, अब सवाल पूछा तो उत्तरदाता ने जवाब दिया। अब इस साक्षात्कार को, जैसे मैं गणनाकार हूँ, मैं गणना करने गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सर बोले ये जो थोड़ा सा आपने बताया इस पर आप थोड़ा सा और विस्तार में बताइए, थोड़ा सा और अच्छे से बताइए सर, रिक्वेस्ट है हमारी। देखो अपन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अपन किसी पे दबाव तो डाल ही नहीं सकते, नहीं बता बताओ बता, बताने पड़ेगा, ऐसा तो अपन नहीं कह सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो सर प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाइए, इसको और अच्छे से थोड़ा सा बताइए कि जो ये आपने बताया है ये कैसे है, क्या है क्या नहीं है। जैसे आप लोगों ने बहुत सी बार लोगों के इंटरव्यू देखे होंगे, जैसे जो है ना बड़े बड़े जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होते हैं उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, हाँ तो सर ये जो आपके जीवन की घटना थी सर इस पर प्लीज़ थोड़ा सा और विस्तार में बताइए सर, जो हमारी ऑडियंस है वो सर मोटिवेट हो जाएगी सर आपसे, प्लीज़ सर थोड़ा सा इस पर आप और इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर, रिक्वेस्ट है हमारी, थोड़ा सा और इस पर एक्स्ट्रा बताइए। तो इस प्रकार से क्या है, सामने बैठे हुए व्यक्ति से वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा बताओ। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार की कोई गलत व्याख्या नहीं होगी, कोई अपनिर्वचन, अपनिर्वचन का मतलब कोई गलत व्याख्या नहीं होगी, मतलब जो उसने बोला उसका कोई गलत अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब जैसे मान लो मैं गणनाकार हूँ, मैं गणना करने गया और मुझे लगा सर ने ये बात बोली है, मैं उस बात को और कुछ ही समझ रहा हूँ, फिर मैं बोलता हूँ सर मुझे ये बात थोड़ी सही नहीं लग रही, प्लीज़ इसको विस्तार से बताइए, फिर वो समझाएगा तो फिर हाँ हाँ सॉरी सर मुझे तो गलत फहमी हो जाती है अगर मैं नहीं पूछता तो, ठीक है ना, तो अब मैंने पूछ लिया। तो अब निर्वचन गलत व्याख्या से और गलत फहमी से क्या है बचा जा सकता है, तो गलत व्याख्या हो गलत फहमी से बचा जा सकता है जब पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है, जब व्यक्तिगत साक्षात्कार हो रहा है तो उसके बहुत से फायदे हैं। उसका फायदा ये है कि भैया हम आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, अगर हमारा जो गणनाकार हूँ मैं तो मैं अपना अध्ययन का उद्देश्य बता सकता हूँ, और उत्तरदाता को कोई कुछ पूछना हो तो वो बता सकता है। इसके अलावा मैं उत्तरदाता से निवेदन भी कर सकता हूँ कि आप किसी बात को विस्तार से समझाइए जिससे कि गलत फहमियों से बचा जा सके। जैसे कि यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाई गई है, ये चार लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और ये सामने एक व्यक्ति बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, मतलब ये सारे गणनाकार हैं और ये एक अकेला उत्तरदाता है। ये जनरली कब होता है, जब अपन कहीं पर जॉब के लिए ट्राई करने जाते हैं, हम जॉब के लिए जब जाते हैं तो रिज्यूम रखते हैं, वहाँ पर जो दो तीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बैठे होते हैं, वो पूछते हैं हाँ अच्छा अच्छा कहाँ से करा आपने, ये कैसे पढ़ा, क्या करा, ठीक है, तो हज़ारों सवाल उनके होते हैं। साथ ही उत्तरदाता की प्रक्रिया प्रतिक्रियाओं को देखकर कुछ संपूरक सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती है। अब देखिए साथ ही उत्तरदाता की जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, जब उत्तरदाता उत्तर दे रहा है तो उसके कुछ रिएक्शंस देख सकते हैं, अच्छा साहब ये बात है ये बात है, जब हम उसके रिएक्शंस देख लेंगे ना तो रिएक्शन से हम उसके कुछ संपूरक जो सूचना है वो भी प्राप्त हो जाएगी, आसपास की उस जो बातें पूछ रहे हैं उसके आसपास की थोड़ी बहुत और सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है, उसके रिएक्शन से हो जाएगी, या वो कुछ बात बोल रहा है उन बातों से ही हमें थोड़ी बहुत और कोई एक्स्ट्रा बात है वो पता चल जाएगी। जैसे मान लीजिए आज कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है और मैंने उसमें बता दिया कि साहब मैंने एक साल बीच में ये वाली जो है तैयारी भी करी थी, मैं एक साल यहाँ गया था वहाँ गया था, तो अब क्या आपका वो सवाल नहीं था, पर उसमें क्या हुआ कि बीच में ही आपको कहीं ना कहीं मेरे बताते हुए बातों में एक और चीज मिल गई कि हाँ सर एक साल सर ने इस चीज की प्रिपरेशन करी थी, सर ने ये करा था वो करा था, तो एक्स्ट्रा चीज भी मिल जाती है जब आमने सामने होता है रिएक्शन से इन चीजों से, और रिएक्शन से पता भी लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति है हमारा कौन से सवाल से खुश हुआ है, कौन से उसको नाराजगी हुई, कौन से वो गुस्सा हुआ है, और जब खुश है अच्छे मूड में है तो एक दो सवाल एक्स्ट्रा तो बनते ही है ना। व्यक्तिगत साक्षात्कार की कुछ कमियां भी, अब देखो अच्छाइयां हैं तो कमियां भी हैं, अब व्यक्तिगत साक्षात्कार के लाभ क्या थे वो तो अपन ने पढ़ लिए कि ये सारे उसके लाभ हैं, ये सारे के सारे उसके फायदे हैं, पर अब उसमें कमियां क्या क्या हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार में क्या क्या कमियां हैं वो देख लेते हैं। ये काफ़ी खर्चीली होती है तथा इसमें
परिशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की जरूरत होती है। तो ये जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है ये काफ़ी खर्चीली होती है, इसमें खर्चा बहुत होता है क्योंकि आपको हर व्यक्ति तक पहुँचना पड़ता है। अब अकेले व्यक्ति का तो काम है नहीं कि वो अकेला कर दे, उसमें काफ़ी लोगों को लगाना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जनगणना, इसका व्यक्तिगत साक्षात्कार का अगर सबसे अच्छा उदाहरण कोई है तो जनगणना है, सेंसस है, जो कि हर 10 साल में होती है और सरकार के कर्मचारी हर घर में जा जा करके हर एक एक व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करते हैं कि साहब कितने लोग हैं, क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, कितने पढ़ लिए हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कहां तक शिक्षा ली है, कितनी इनकम है, घर में क्या क्या सुविधाएं, ये सारी बातें। तो वो काफ़ी खर्चीली होती है। क्यों खर्चीली होती है? पहली बात तो जिन लोगों को ड्यूटी में लगाया गया उनका खर्चा उठाना, उसके अलावा काफ़ी जो पेपर्स हैं या जिस भी तरीके से कराया जा रहा है वो है। और खर्चीली के साथ साथ क्या होता है, टाइम भी बहुत चाहिए होता है, टाइम भी इसमें बहुत लगता है। खर्चीली भी है और परिशिक्षित जो साक्षात्कार है ना वही ले सकता है। परिशिक्षित का मतलब क्या है, जो ट्रेन होता है, जो बिल्कुल ट्रेंड है, जो पूरा एक्सपर्ट है, ऐसा साक्षात्कार को ही भेजना पड़ता है। क्योंकि देखो पब्लिक भी हर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, क्योंकि आजकल वैसे ही जो पब्लिक है वो थोड़ी सी क्या है उसमें ये है कि निशा हमारा डेटा आउट हो जाएगा, हमारी जो जानकारी है इन्फॉर्मेशन है वो बाहर चली जाएगी, इसलिए पब्लिक हर किसी को तो इन्फॉर्मेशन देती नहीं। इसलिए जो ट्रेंड व्यक्ति है, जो बिल्कुल अच्छा साक्षात्कार है, जो लोगों को अपनी बातों में हाँ सर सर प्लीज़ प्लीज़ 2 मिनट दीजिए सर सर बस 2-3 सवाल पूछूंगा सर मैं ऐसा 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 करके, तो वो सारी जानकारी ले लेता है। तो अच्छे जो प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। इसमें सर्वेक्षण पूरा करने में काफ़ी अधिक समय लगता है, ये बड़ी बात है, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, खर्चीली भी है। मतलब समय के हिसाब से और धन के हिसाब से देखें तो व्यक्तिगत साक्षात्कार ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है व्यक्तिगत साक्षात्कार, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो समय लगता है, बहुत ज़्यादा धन लगता है। पर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि आपके पास एग्जैक्ट जो कंडीशन है वो सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ साहब कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोगों के घर में शौचालय है, कितने लोगों के पास इनकम 20,000 से ऊपर है महीने की, ये सारी बातें एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगी अगर व्यक्तिगत साक्षात्कार करते हो, परंतु उसमें समय और जो है धन बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। कभी कभी शोधकर्ता सर्वेक्षक की उपस्थिति के कारण उत्तरदाता सही बात नहीं भी बताते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, जब शोधकर्ता जो गणनाकार है, जो शोध करने के लिए आया है, जो साक्षात्कार करता है, वो सामने बैठा हुआ रहता है ना, तो एक हमारे मन में ये रहता है यार सारी जानकारी तो नहीं देनी चाहिए इसको, पता नहीं ये कहाँ इस जानकारी का इस्तेमाल करेगा, कहाँ नहीं करेगा, और कैसे पता चलेगा ये सही ऑथेंटिक है या नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है पूरी जानकारी भी नहीं देते, तो उत्तरदाता जो है ना सही बात भी नहीं बताते हैं कभी कभार शोधकर्ताओं और सर्वेक्षकों को। चलिए तो पहली जो हमारी थी व्यक्तिगत साक्षात्कार वो कंप्लीट हो गई। अब जो दूसरी हमारी डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, मतलब डाक के द्वारा पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो प्रश्नावली अपन ने तैयार करी थी, जो क्वेश्चंस थे वो पूरे जो तैयार करे थे, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से प्रिंट करवा कर करके उनके नीचे सवालों के जवाबों के लिए जगह छोड़ कर करके उसको बिल्कुल पैक करा, लिफाफे में डाला और एड्रेस लिख कर करके उन पोस्टों पे घरों पर पहुँचा दिया जहाँ से हमें जानकारियाँ चाहिए। तो डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जा रही है, और फिर जैसे हम शोध कर रहे हैं और हमने ये प्रश्नावली भेजी है, तो अपन उसमें एक चिट्ठी भी डालते हैं, एक लेटर भी डालते हैं और निवेदन करते हैं कि माननीय ये जो आपके पास प्रश्नावली आई है ये फला फला इस दफ्तर से इस जगह से आई है और हम इस उद्देश्य के कारण आपके पास ये प्रश्नावली भेजी है, कृपया हमारा आपसे निवेदन है कि इतने दिनों में इस प्रश्नावली के जवाब देकर करके आप वापस पोस्ट ऑफिस के द्वारा इस पते पर भेज दें, धन्यवाद सर। इस प्रकार से पूरी एक चिट्ठी भी दी जाती है। जब सर्वेक्षण में आंकड़ों को डाक द्वारा संग्रहित किया जाता है तो प्रत्येक उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रश्नावली इस निवेदन के साथ भेजी जाती है कि वह इसे पूरी कर एक निश्चित तारीख तक वापस अवश्य भेज दे। अब जब सर्वेक्षण में, जब सर्वे में आंकड़े जो डेटा है उसको डाक द्वारा इकट्ठा करा जाता है, तो प्रत्येक उत्तरदाता को, मतलब जिन जिन से हमें उत्तर चाहिए, जिन जिन से हम लोगों को उत्तर चाहिए, उन प्रत्येक उत्तरदाता को क्या होता है कि डाक द्वारा प्रश्नावली भेज दी जाती है, डाक द्वारा प्रश्नावली भेज दी और इस निवेदन के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ भेजी जा रही है कि वो एक निश्चित तारीख तक, मतलब उसमें तारीख बताते हैं, दिन बताते हैं, इस दिन तक आप प्लीज़ ये सारे आंसर्स दे कर करके हमें बिल्कुल बराबरी को करना है, हम बिल्कुल क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ये बहुत कम खर्चीली, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अब देखो व्यक्तिगत साक्षात्कार तो क्या था, समय भी ज़्यादा ले रहा था, धन भी बहुत ज़्यादा था, पर अब इसमें तो क्या है, खर्चा बहुत कम है, इसमें तो जो है खर्चा बिल्कुल ही ना के बराबर है, कम खर्चीला। कम खर्चीला कैसे, देखो अब यहाँ पर प्रिंट हुआ, पेपर हुआ, चिट्ठी डाली, चिट्ठी डाल कर करके पैक करा, डाक में डाल दे, चला जाएगा,
कोई खर्चा नहीं ना। तो भैया ऐसा है कि जो डोर टू डोर जा रहे हैं उनको पेमेंट करना और कुछ करना नहीं, चिट्ठिया बनी तैयार हुआ, एक बार लिखा गया, प्रिंट हुआ, सबको भेज दी गई, फटाफट सबको भेज दिया गया। तो खर्चा बहुत कम है, खर्चा भी कम है और दूसरी बात क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो समय है ना वो समय भी कम लगेगा। अब देखो, अब आपसे कोई पूछ ले कि डाक द्वारा प्रश्नावली जो भेजना है उसके कुछ लाभ बताइए, तो लाभ में सबसे बढ़िया लाभ तो एक ही, कम खर्चीला है, दूसरा कम समय लगता है। ये जैसे देखिए कि जो डाक पेटी है वो दिखाया गया। इसके साथ ही इस विधि के द्वारा शोधकर्ता सर्वेक्षक काफी दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, जो संभवत व्यक्ति या टेलीफोन की पहुंच से भी बाहर हो सकते हैं। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं पर प्रभाव भी नहीं डाल पाते हैं। देखो अब इस विधि का एक फायदा क्या है कि देखो जब हम व्यक्तिगत साक्षात्कार कर रहे हैं तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाके में रहते हों, बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज में रहते हो, वहाँ पहुँचना थोड़ा सा कठिन हो, मुश्किल हो साक्षात्कारकर्ताओं के लिए। पर पोस्ट ऑफिस तो सारी जगह वो तो पहुँच सकती है, तो इसलिए क्या है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, पोस्ट के द्वारा ऐसे इलाकों में भी पहुँचा जा सकता है जहाँ पर व्यक्ति नहीं जा रहा है। मतलब व्यक्ति जाते तो हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तो फिर वो पोस्ट में डाकिया कैसे जाएगा बेचारा। पर एक साक्षात्कार के लिए बड़ा मुश्किल हो उतना दूर दराज में जाना और करना, पर पोस्ट ऑफिस वाला का तो चिट्ठी पकड़ा के या नहीं तो पकड़ा के आ सकता है। टेलीफोन की सुविधाएं ना हो तो वहां पर डाक के द्वारा अच्छा काम हो सकता है। इस विधि में साक्षात्कार उत्तरदाताओं पर प्रभाव भी नहीं डाल पाते। अब इसमें क्या है कि साक्षात्कार अपना दूर बैठा है, उत्तरदाता अपना और कहीं बैठा, उसका चिट्ठी आ गई, वो अपने मर्जी से आराम से आंसर लिख करके वापस भेज देगा। किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई प्रभाव नहीं होगा कि नहीं नहीं साहब इस बात का आंसर देना पड़ेगा, ये दो, ये कहो, ये बात बताओ, ऐसा नहीं है। साथ ही उत्तरदाता को पर्याप्त समय देता है ताकि वह सोच विचार कर प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। अब देखो, अब जैसे जनगणना वाले अपने घर पर आते हैं तो आए बैठे 10-15 मिनट सारे, सर जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हाँ भाई कितना है कितना है जल्दी सब, तो अब क्या होता है वो तो बिल्कुल फटाफट जवाब मांगते हैं क्योंकि वो सामने आया तो उसका इतना तो समय है नहीं कि हाँ सर बता देना मैं आ जाऊँगा 2-3 दिन बाद वापस घूम फिर के आपके घर पे आ जाऊँगा, ऐसा तो कह नहीं सकता। उसको तो एक उसी टाइम पीरियड के अंदर बता कर देना पड़ता है। पर डाक द्वारा जो प्रश्नावली भेजी गई है उसमें अच्छी बात क्या है कि प्रश्नावली भेज दी, 15 दिन का टाइम दिया, अब 15 दिन में मैं आराम से सोच समझ करके जवाब दे सकता हूँ कि हाँ हर दिन एक एक दो दो क्वेश्चनों के जवाब दूंगा, तो आराम से सोच विचार करके प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, मुझ पर कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं है। आजकल ऑनलाइन सर्वेक्षण या संक्षिप्त संदेश सेवा SMS द्वारा सर्वेक्षण काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। अब आजकल क्या है ऑनलाइन सर्वेक्षण, ऑनलाइन सर्वे करवाए जा रहे हैं। संक्षिप्त संदेश सेवा SMS के द्वारा भी क्या है सर्वेक्षण हो रहे हैं, सर्वे लोकप्रिय हो रहे हैं। ऑनलाइन पे कुछ पूछ लिया है ठीक है, उसके अलावा जो SMS के द्वारा पूछ लेंगे कि आप इन सवालों के जवाब दे दीजिए इस प्रकार से। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन सर्वेक्षण कैसे आयोजित किए जाते हैं? तो क्या आपको पता है कि ये जो ऑनलाइन सर्वेक्षण है कैसे आयोजित किए जाते हैं? तो ये जैसे आपको दिखाया जो मैसेज इसका है वो डाक द्वारा सर्वेक्षण की ये कमी है। अब देखो अच्छा ही आपने देख ली, अब कमियां देखो इसकी। कमी है कि प्रश्नावली के निर्देशों के स्पष्टीकरण के अवसर नहीं मिलते हैं, अतः इसमें प्रश्न की अपनिर्वचन की संभावना रहती है। अब देखो क्या होता है जब व्यक्ति आमने सामने होता है, जवाब देने वाले को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो फटाक से क्या कर लेगा, साक्षात्कारकर्ता से पूछ लेगा, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही प्लीज़ एक बार बताइएगा, वो बता देगा। परंतु अब डाक के द्वारा प्रश्नावली भेज दी गई है उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसको समझ में गलत समझ में आया, उसने गलत ही जवाब दे दिया, तो इससे क्या होता है अपनिर्वचन की मतलब गलत व्याख्या की या गलत फहमी की ज़्यादा संभावना हो जाती है ठीक है। तो जब जो निर्देश वहां पे लिखे हैं उसके स्पष्टीकरण का अवसर नहीं मिलता, मतलब स्पष्ट नहीं होता है कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है, स्पष्ट नहीं होता है, अपनिर्वचन की संभावना ज्यादा होती है, गलत व्याख्या की गलत जवाब की थोड़ी सी ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही डाक सर्वेक्षण द्वारा कम संख्या में उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्ति की संभावना रहती है क्योंकि प्रश्नावली को बिना पूरा भरे ही लौटाने की या प्रश्नावली को बिल्कुल ही न लौटाने की संभावना रहती है, और साथ ही डाक विभाग द्वारा प्रश्नावली के खो जाने आदि की संभावना भी रहती है। अब दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है कि अब डाक के द्वारा प्रश्नावली आ गई, कुछ सरकारी विभाग से तो आती है ना, तो लोग फिर भी क्या होते हैं कि थोड़ा सा एक्टिव होकर करके उस पर काम करते हैं, बाकी तो ऐसे कोई आई तो वो ध्यान ही नहीं देता, छोड़ रहता भर के ही नहीं भेजेंगे, भेजेंगे तो खाली भेज देंगे, बिना भरे ही जवाब दे दिया, कभी कभार तो ऐसा तो भेजते ही नहीं, रख लो रे छोड़ बेटा रख दे दबा दे वहाँ बाद में कल से ले जाइए पेपर टिफिन में प्लेट करके लिफाफे को मस्त रहे। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं जो गलत है, अगर कहीं से आ रहा है प्रश्नावली तो उसका जवाब देना चाहिए। तो ये डाक प्रश्नावली का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है कि बिना पूरा भरे ही लौटा देने की है, न लौटाने की संभावना होती है, कभी कभार क्या होता है डाक विभाग से ये प्रश्नावलियाँ खो भी जाती है,
तो खो जाएगी, तो मतलब जो पूरा साक्षात्कारकर्ता ने जो तैयारी करी थी वो सारी तैयारी खराब हो जाती है। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार के भी लाभ और कमियां पड़ी, और डाक द्वारा प्रश्नावली जो भेजी जा रही है उसके भी लाभ कमियां दोनों पड़ ली। अब हमारा लास्ट जो है वो है टेलीफोन साक्षात्कार। टेलीफोन साक्षात्कार, अब जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि टेलीफोन पर इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, उत्तरदाता होगा वो दूसरी साइड में होगा टेलीफोन के, और साक्षात्कार एक तरफ होगा, वो फोन करेगा, उत्तरदाता फोन उठाएगा और फिर सवालों के जवाब देगा। टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत शोधकर्ता जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। अब टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है, जांचकर्ता होता है, जो शोध करने वाला होता है, जांच करने वाला होता है, वो टेलीफोन के माध्यम से मतलब टेलीफोन करता है उसको, और फिर क्या करता है, सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता है। टेलीफोन साक्षात्कार का लाभ है कि ये व्यक्तिगत साक्षात्कार की अपेक्षा सस्ता होता है और इसे कम समय में ही संपन्न किया जा सकता है। टेलीफोन साक्षात्कार का लाभ क्या है, इसके फायदे क्या है, देखो अब पहली बात तो क्या है कि जब हम फोन पर बात कर रहे हैं तो एक प्रकार से आमने सामने से ही बात होगी। आज फोन पर बस आमने सामने बैठे नहीं है, बाकी तो जो भी पूछना वो पूछ सकते हैं, अगर सामने उत्तरदाता हंस रहा है थोड़ा और करा तो हमें उसका नेचर का भी पता चल जाता है, उसकी बात से उसके बिहेवियर से पता भी चल जाता है, मतलब लगभग लगभग व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसा सा हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार जितना अपना खर्चा नहीं लगता है, खर्चा भी कम लगता है और समय की भी बचत हो जाती है, तो ये सस्ता भी होता है और कम समय में भी हो जाता है। तो टेलीफोन साक्षात्कार का ये बहुत अच्छा फायदा है कि सस्ता है और कम समय में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तो जो तस्वीर आपको दिखाई गई उसमें तो क्या है कि ये वीडियो के द्वारा अपना साक्षात्कार दे रहे हैं, जो कि एक अलग बात है, पर टेलीफोन साक्षात्कार में तो क्या होता है, जैसे मेरे पास फोन आएगा, मैं फोन उठाऊंगा, फिर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं जवाब दूंगा, ये टेलीफोन साक्षात्कार है। ये प्रश्नों को स्पष्ट कर सर्वेक्षक शोधकर्ता के लिए उत्तरदाता की मदद करने में सहायक होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे प्रश्नों को स्पष्ट कर देता है, जो सर्वेक्षक होता है, जो सर्वे करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, जब फोन मिलाता है और कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आ रहा है उत्तरदाता को, तो वो उसको बिल्कुल क्लियर कर देगा, उसको बता देगा कि सर ये ऐसा है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे वापस पूछ ले, वो पूछेगा फिर उसको बता देगा, तो मतलब एक्जैक्टली जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन रख दिया जाता है। ये बात व्यक्तिगत साक्षात्कार में थी, यहाँ पर भी है, पर डाक द्वारा भेजी वाली प्रश्नावली में नहीं थी। तो स्पष्ट कर सर्वेक्षक शोध उत्तरदाता की मदद करने में सहायक होता है। तो इससे क्या होगा कि जो गलतफहमी है उसकी गुंजाइश कम हो जाती है, गलतफहमी नहीं होगी। गलतफहमी की सबसे ज़्यादा जो गुंजाइश होती है वो डाक द्वारा भेजी जो प्रश्नावली है उसमें ज़्यादा होती है। टेलीफोन साक्षात्कार उन मामलों में अधिक बेहतर है जहां व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देने में झिझक महसूस करता है। देखो अब टेलीफोन साक्षात्कार क्या है, उन मामलों में अधिक बेहतर है, ज्यादा बेहतर है, जहां पर क्या होता है, जब सामने कोई होता है ना तो कुछ बातों के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं, कुछ चीजों के आंसर्स नहीं दिए जा सकते। टेलीफोन पर तो क्या होता है, जवाब दे देते हैं, आसानी से जवाब दे देते हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग क्या है, जब फेस टू फेस होते हैं तो वो बात नहीं कर पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, पर फोन पर वो बहुत अच्छे से बातें कर लेंगे, खूब बात कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसा होता है। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, वो फोन में तो चिल्लाते हैं, ओ चाचा ऐसा करते हैं, और फिर उनके सामने ऐसे छुपेंगे, नहीं मुझे तो मिलना ही नहीं तो क्या होता है। वैसा इसमें टेलीफोन साक्षात्कार में मैं यहाँ वो वहाँ तो कुछ भी बात करा कर लेंगे, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई वो नहीं है, पर आमने सामने होता है थोड़ा सा प्रश्नों के उत्तर देने में हिचकिचाहट सी होती है। ये टेलीफोन मोबाइल, इस विधि की कमी, अब देखो अच्छा ये पढ़ी, लाभ पढ़ लिया अपन लोगों ने, अब इसकी कमी देख लो। कमी यह है कि इसमें लोगों तक सर्वेक्षक की पहुंच सीमित हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास निजी टेलीफोन नहीं भी हो सकते हैं। देखो तो ये इसमें जो एक कमी है वो ये है कि सर्वेक्षक की जो पहुंच है वो सीमित हो जाती है, मतलब हर व्यक्ति के पास फोन नहीं होता, लिमिटेड हो जाता है। पर देखो ये जो बात कही जाती है ना कि हर किसी के पास फोन नहीं, अब तो बच्चे बच्चों के पास है, कोरोना के बाद तो मतलब बच्चे बच्चे के पास फोन है, तो ये जो मुद्दा है कि लोगों के पास निजी टेलीफोन नहीं हो सकते, आजकल हर व्यक्ति के पास होते हैं, लगभग सभी के पास जो है निजी टेलीफोन होते हैं, तो सर्वेक्षक की पोस्ट सीमित हो जाते हैं। पर आपको यहाँ पे बुक में दे रखा है तो उसको एक मानना है, डिमेरिट माननी है इसको। इसके साथ टेलीफोन साक्षात्कार की कमी यह भी है कि संवेदनशील मुद्दों पर उत्तरदाताओं की उन प्रतिक्रियाओं को दृश्य रूप में नहीं देख सकता, जो इन विषयों पर सही जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। अब व्यक्तिगत साक्षात्कार में तो क्या था कि आमने सामने बैठे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है, कोई मुद्दा, कोई ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, तो उस पर हमें सामने वो बैठा है तो उसके क्या विचार हैं, कैसा है वो, हमारी इस बात से, इस सवाल से वो खुश हुआ है, दुख हुआ है, उसको बुरा लगा है, कैसा है, वो पता चल जाता है। पर टेलीफोन साक्षात्कार में तो क्या होता है, टेलीफोन साक्षात्कार में तो ये चीज़ हमें नहीं पता चल सकती। और टेलीफोन साक्षात्कार में एक बात ये भी है कि भाई जैसे मान लीजिए मेरे पास फोन आया, मुझे क्वेश्चन सही नहीं लग रहा, मैं फोन काट के रख दूंगा,
काट दूंगा मैं फोन, बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं। तो दृश्य रूप में नहीं देखा जा सकता, जिन विषयों को से जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है, सहायता मिलती है, तो वो सहायता यहाँ पे नहीं मिलती, वो सहायता सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत साक्षात्कार वाला है, उसी में वो सहायता देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये हमारा जो तीन प्रकार से आंकड़े संग्रह करने की विधि थी, कौन कौन सी, व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाक द्वारा भेज प्रश्नावली, और तीसरा था टेलीफोन साक्षात्कार। ये तीनों हमारे आंकड़ा इकट्ठा करने की विधि है, तरीके हैं जिनके द्वारा हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं। अब चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रायोगिक सर्वेक्षण। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रायोगिक का मतलब है प्रैक्टिकल एक प्रकार से, ठीक है, एक प्रैक्टिकल है। और सर्वेक्षण मतलब सर्वे, तो मतलब जो सर्वे हम एक बड़े स्तर पर करवाने जा रहे हैं उस सर्वे का एक पहले प्रैक्टिकल लेकर करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भैया एक 10 लोगों को तैयार करा गया कि साहब आपको ये सर्वे करवाना है, अब उन 10 लोगों को पूरा बता दिया किस किस प्रकार से करवाना है, तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेकर के देख लेते हैं ये सही से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उनको जैसे बोला इस घर इस एरिया में जाओ और 10 लोगों से एक नॉर्मल जैसा है कैसे पूछताछ करोगे कर करके आओ, प्रैक्टिकल के तौर पर, हाँ मैम ऐसा ऐसा ऐसा। टेलीफोन के द्वारा करवानी है तो 10 लोगों को फोन मिलाओ, उनसे बात करो। तो एक बार प्रैक्टिकल हो जाए, अगर प्रैक्टिकल सही हो गया इसका मतलब यह है कि जो सभी लोग हैं वो अच्छे से सर्वे कर पाएंगे और हमें अच्छी जानकारी मिल पाएगी। तो एक प्रकार से मतलब पहले तैयारी के लिए ये करा जाता है प्रायोगिक सर्वेक्षण। एक बार जब सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार हो जाए, ये सलाह दी जाती है कि एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए। जब सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार हो जाए मतलब जो क्वेश्चनरी है वो बन जाती है, सारे क्वेश्चंस रेडी हो जाए, जब आपके सारे क्वेश्चन रेडी हो गए हैं तो एक बार ऐसी सलाह दी जाती है, ऐसी एडवाइस दी जाती है कि एक बार सर्वे है ना छोटे समूह पर करके देख लो। छोटे समूह पर मतलब कुछ लोगों के साथ, कुछ ग्रुप के साथ, 5-10-20 लोगों का जो समूह, उनसे बातचीत करके सर्वे का देखो कि आपका सर्वे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लोगों का क्या रेस्पॉन्स है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, लोग क्या क्या जवाब दे देते हैं उसमें, तो आपको उन जवाबों के लिए तैयार रहना है, ये सारी बात जिसे प्रायोगिक सर्वेक्षण के रूप में या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में जाना जाता है। जिसे प्रायोगिक सर्वेक्षण के रूप में या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा मतलब प्रश्नावली मेन उन लोगों के बीच में जाने से पहले एक थोड़ा सा सर्वे हो गया तो उससे प्रश्नावली के हमें पता चल जाता है सब ये वाला जो क्वेश्चन है ना इस पे लोगों का ज्यादा रुझान नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को हटा दो, इसकी जगह ये क्वेश्चन में ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस वाले से हमें ज्यादा अच्छा डेटा मिल जाएगा। सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में प्रायोगिक सर्वेक्षण सहायक होते हैं। सर्वेक्षण के बारे में, सर्वे के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने के लिए प्रायोगिक सर्वेक्षण सहायक होते हैं। प्रारंभिक अनुमान मतलब क्या है? मेन सर्वे होने से पहले जब आपने ये प्रैक्टिकल का सर्वे करवाया है तो उसमें क्या आपको कुछ अनुमान लग जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन पे लोगों का ज़्यादा इच्छा नहीं है, इस क्वेश्चन पे लोग नाराज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन हटा दो, इस तरीके से हमें ज़्यादा अच्छा जवाब मिल सकता है, ये पूछना है, ये इस प्रकार से बात करनी है, कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, कब हमें हंस के पूछना है, कभी थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सिंसियरिटी में पूछना है, इस प्रकार से, तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है। यह प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण में भी सहायक होता है ताकि प्रश्नों की कमियों एवं त्रुटियों को पता किया जा सके। अब देखिए यह प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण में भी सहायक होता है, तो कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, कोई क्वेश्चन गलत पूछा गया है तो उसका भी पता लग जाता है। इसके साथ ही प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नों की उपयुक्तता, निर्देशों की स्पष्टता, सर्वेक्षण गणनाकार की कार्यदक्षता तथा वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत एवं समय का अनुमान लगाने में भी सहायता करता है। इसके साथ ही जो प्रायोगिक सर्वेक्षण है, जो प्रैक्टिकल सर्वे, उसमें प्रश्नों की उपयुक्तता की जो प्रश्न है वो कितने उपयुक्त है, कितने सही है, कितने गलत है, निर्देशों की स्पष्टता की जो निर्देश दिए गए हैं वो स्पष्ट है भी है या नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सही है या गलत है, सर्वेक्षक जो गणनाकार है उसकी कार्यदक्षता मतलब उसमें इतनी कैपेसिटी तो है क्या कि वो लोगों के साथ सर्वे कर लेगा, या जैसे मान लो भाई किसी को सर्वे लेने के लिए भेज दिया और भैया किसी ने हल्का सा जोर से बोल दिया वो तो भाग के आ गया सब, मैं तो सर्वे नहीं लूंगा, तो ऐसे कैपेसिटी भी है कितने लोगों से वो बात कर सकता है कितनों से नहीं कर सकता। तो वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली जो लागत है और समय उसका अनुमान लगाने में थोड़ी सहायता हो जाती है कि भैया जब प्रैक्टिकल सर्वे में लगभग लगभग एक गणनाकार एक व्यक्ति पर 10-15 मिनट खर्च कर रहा है, मतलब दिन के इतने ही लोगों को कवर कर पाएगा, एक पर कितना खर्चा आएगा कितना नहीं, ये सब कुछ। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल अनेश आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रखा है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।